नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह है और आप लोग देख रहे हैं गुड्डू पिसल बिहार वाला। दोस्तों आज मैं आप सभी को बहुत ही एक बेहतरीन कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है गल्फ एशिया। गल्फ एशिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गल्फ एशिया के वैकेंसी के बारे में आप लोग जानते होंगे और गल्फ एशिया का वैकेंसी बहुत ज़्यादा आता है, आप लोगों ने भी देखा भी होगा। लेकिन बहुत सारे भाई जो ये सोचते हैं कि गल्फ एशिया कैसा कंपनी है, अच्छा कंपनी है कि नहीं है, इसमें जाएं कि नहीं जाएं। गल्फ एशिया बहुत सारे कंट्रियों में फैला हुआ है, मैं आप सभी को फुल डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में प्रेस करके दोस्तों ऑल कर लें। दोस्तों चलिए बिना देर किए मैं आप सभी को बताता हूँ गल्फ एशिया कंपनी के बारे में। दोस्तों गल्फ एशिया कंपनी एक बहुत ही बड़ा कंपनी है, बड़ा कंपनी है यह। कम से कम समझ जाइए तो दुबई हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, कुवैत हो गया, कतर, बहुत सारे जगहों पे, यानी गल्फ कंट्री के अंदर सब जगह पे फैला हुआ है। गल्फ कंट्री में इसका ऐसा कोई मैंने कंट्री नहीं है गल्फ कंट्री के अंदर जहाँ पे इसका काम न चलता हो। यानी गल्फ गल्फ एशिया मतलब NSH, गल्फ एशिया एक ही है, NFH एक ही है। इन दोनों का काम एक ही जगह होता है, आदमी जितने वर्कर जाएंगे एक ही केम में रहेंगे, चाहे वो NFH के हों या गल्फ एशिया के हों, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी भाई इस कंपनी में जा रहे हों वीडियो पूरा देखें और वीडियो को लास्ट तक बने रहें, चाहे वो NFH में जा रहे हों या गल्फ एशिया में। दोस्तों गल्फ एशिया कुवैत में भी इसका काम बहुत बेहतरीन ढंग से चलता है, सैलरी बिल्कुल टाइम पे होता है कुवैत के अंदर, और कतर के अंदर भी इसका सैलरी बिल्कुल टाइम पे है। सऊदी अरबिया के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना दोस्तों, कि सैलरी टाइम पे मिलता है कि नहीं मिलता है। दोस्तों यह कंपनी जो गल्फ एशिया एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, दोहा कतर के अंदर, कुवैत के अंदर। अगर आप लोग गल्फ एशिया कंपनी में जाना चाहते हैं तो दोस्तों कहीं पर भी इसका वैकेंसी आए, कहीं पर भी दोहा कतर का, कुवैत का, इसका वैकेंसी किसी भी जगह आता है तो आप लोग आसानी से इंटरव्यू दीजिए और इस कंपनी में जाइए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगा। सऊदी अरबिया का भी वैकेंसी आता है तो आप लोग जाइए, इसलिए कि यह कंपनी जो है बिल्कुल टाइम पे सैलरी देता है और खाना भी इसका अच्छा रहता है, फल फ्रूट सब मिलता है दोस्तों इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम पे सैलरी चाहिए हम लोगों को, वर्कर भाई के लिए टाइम पे सैलरी ही सब कुछ है, और काम जो मिले सो मिले लेकिन सैलरी टाइम पे मिलना चाहिए, खाना टाइम पे मिलना चाहिए, खाना अच्छा मिलना चाहिए, हम लोगों को यही चाहिए। तो दोस्तों ये कंपनी में खाना जो है अच्छा मिलता है, सैलरी टाइम से मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। यह कंपनी कुवैत में, कतर में, सऊदी अरबिया में, हर एक जगह फैला हुआ है, तो इसमें सब कुछ बेस्ट है। आप लोग गल्फ एशिया कंपनी में जाइए, आप सभी को बहुत ही इस कंपनी में जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई गुड्डू भाई ने जो बताया है इस कंपनी के बारे में बिल्कुल सही बताया है, सैलरी टाइम से मिल रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है, फल फ्रूट मिल रहा है, यहाँ तक कि दही भी मिलता है दोस्तों, इसमें जूस मिलता है, बहुत ही समझ जाइए तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अच्छा खासा। इसमें संडे जुमा के दिन बिरयानी सब कुछ अच्छा खासा मिलता है दोस्तों, तो आप लोग इस कंपनी में जाइए कुवैत दोहा कतर, खासकर इस कंपनी में इंटरव्यू अगर इसका आता है, सबसे ज़्यादा इसका इंटरव्यू दोस्तों NSH का मुंबई के अंदर आता है, गल्फ एशिया का जो गल्फ एशिया है अच्छा कंपनी में जाएंगे तो मुंबई आएगा, दिल्ली आएगा। दोस्तों जब भी आएगा, जो भी ऑफिस में आएगा, मैं आप सभी को जरूर शेयर करूंगा, बताऊंगा, आप लोग जरूर जाइएगा। हाँ इसका वीजा थोड़ा लेट आ रहा है, इसका वीजा के बारे में बात करूंगा। इसका वीजा बहुत सारा इंटरव्यू चला है लेकिन इसमें 50 से 25% वीजा आया है, उसके बाद वीजा नहीं आया है। दोस्तों इसको काम जो वहाँ पे दोहा कतर में मिला हुआ था, दोहा कतर में ऐसा हुआ है, तो दोहा कतर में जो इसको काम मिला हुआ था वो दो कंपनियों ने बंट गया, इसलिए इसका वीजा पूरा नहीं मिल पाया सभी आदमी को, और पूरा वीजा नहीं मिलने का कारण यही है। अब इसका फिर से वैकेंसी स्टार्ट होगा और इसको काम मिला हुआ है तो फिर इसका वैकेंसी आएगा, तो आप लोग इसमें इंटरव्यू दे के आसानी से जाइएगा दोस्तों। दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।